मुझे गवार कहती है, लेकिन आप भी कहने लगे। देखो चंपा। क्या देखो? क्या देखो? मेरा मतलब ये है कि डार्लिंग देखो मैं तुम्हें। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है? चंपा पहले तुम शांत हो जाओ। मासी मैं शांत कैसे हो जाऊँ? आप ही बताओ, अगर आपकी बुराई कोई करेगा और आप सुन लोगे तो क्या आप शांत रहोगी? तुम्हारी बात सही है लेकिन मम आप यहाँ पर इन दोनों को समझाएंगे ना तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये दोनों समझने वाले नहीं है। आप इन दोनों को अलग अलग करके समझाइए मम। हाँ मम, आई थिंक यू आर राइट। चलो चंपा मैं भी देखती हूँ, आप मुझे समझाओगी या मैं आपको समझाऊंगी? नहीं नहीं मम, आप यतिन को समझाइए। चंपा को हम समझाते हैं ना मम, अब वहीं की बात चंपा बहुत अच्छे से समझेगी। आप यतिन को समझा दीजिए मम। आई थिंक यू आर राइट, क्योंकि मैं अगर बात करूंगी तो ये बीच में बॉम्ब की तरह फूटेगी। हाँ यतिन चलो बेटा तुम ही चलो मेरे साथ। आओ मम मैं भी समझाती हूँ। कितने पापी हो आप सागर जी, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो हैं? एक मिनट चंपा तुम रुको, वही क्या झूठ बोला मैंने? झूठ बोला नहीं है सागर जी, लेकिन बुलवाया यतिन भाई के मुंह से है? ओहो चंपा ये हे हे करना बंद करो और पहले मेरी बात सुनो। नहीं सागर जी पहले आप मेरी बात सुनिए, अब मुझसे ना ये झूठ और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब मैं ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती, मैं आपका साथ नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी बस। हाँ तो ठीक है मत देना मेरा साथ ओके, लेकिन तुम्हें मेरी कसम तो याद है ना, तो मॉम के सामने चुपचाप खड़ी रहना समझी? ये गुजराती फिल्म में इंग्लिश फिल्म देख रही हो ऐसा लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चंपा वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो हुआ क्या, मैं यतिन के घर गया था फुटबॉल मैच देखने। मॉम ने कहा था वो मेहता आंटी के पास जाके एनिवर्सरी पार्टी में खड़े रहने के लिए, वहां पे मैं बोर हो जाता तो मैं मॉम को ये बात बताया। मॉम ने खुद ही बोल दिया कि तुम तो ऑफिस में थे क्या लेट तक, तो मैंने बोल दिया हाँ मैं ऑफिस तक था लेट तक। अब ऐसा हो गया है कि मॉम को यतिन अचानक आ गया और उसने बोल दिया कि मैं घर पे था, तो अब मुझे बचाने के लिए यतिन ने ये झूठ बोल दिया ना कि तुमसे उसका झगड़ा हो गया था, तुम्हारे बारे में सच में थोड़ी बुराई कर रहा था वो, उसने ऐसे ही झूठ बोल दिया समझी? अच्छा तो ये बात है तो मैं आपके साथ में हूँ जीजा जी। चंपा लेकिन मैं आपके साथ नहीं हूँ। अरे बाप रे आप दोनों भी यही थे? कन्हैयालाल जी आपको तो मैं मही की कसम दे रहा हूँ आप मॉम के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम चुपचाप रहेंगे समझे? और सोनिया भाभी आप तो नेचुरली मेरे साथ होंगी है ना? नहीं सोनिया हवा देखकर अपना रुख बदल दे। वाओ न जाने अब ये सोनिया भाभी क्या करेंगी। पागल भैया मुझे तो तसम देख के तुप कला दिया, लेकिन जिस दिन मैडम को इस झूठ के बारे में पता चलेगा ना। झूठ बोला नहीं वीरा, सच को छुपाया है सागर जी ने। अभी वो धनश्याम मुंतज लाइवल उन्होंने झूठ बोला तो मैडम ने उन्हें निताल दिया। क्यों निताल दिया? झूठ बोला इसलिए। मैडम खुद दादी चलाएंगी लेकिन झूठ के सामने नहीं जूते दी। और शायद आप लोगों को एक बात पता नहीं है, एक बार एक कार्यकर्ता ने सासू माँ को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया, लेकिन सासू माँ काम में इतनी व्यस्त थी कि वो उनके घर जा ही नहीं पाई। फिर क्या, सासू माँ ने उस कार्यकर्ता को फोन किया और पता है उनके मुंह से झूठ निकल गया कि उनकी तबीयत खराब है इसलिए उनके घर वो नहीं जा पाई। फिर क्या, सासू माँ जैसे ही घर पहुंची थे दे धनादन दो तीन थप्पड़ लगा दिया अपने आप को, और जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अब झूठ बोला है गलती की है तो अपने आप को सजा तो देनी पड़ेगी ना। जरा सोचिए सागर जी, आप तो सासू माँ के लाडले हैं ना, जब सासू माँ को ये पता चलेगा कि आपने झूठ बोला है तो उन्हें कितना दुख होगा। चलो ताल चलो चाल चलू एक मिनट अभी? हाँ ये मर गया मर गया, वहां बहुत दूर चला गया। भले दया अभी अभी आप चलो। अरे सोनिया भाभी आप दोनों तो एकदम कमाल का चेस खेल रहे हैं। अच्छा सोनिया भाभी आपने मॉम से कुछ कहा तो नहीं ना, वो जो मैंने सच छुपाया था उसके बारे में? नहीं।
हाँ तो आप मॉम से कुछ कहना मत, हाँ अब नहीं कहेंगी ना? भाभी भाभी सच बताई देना। हाँ चुप चुप हो जाओ तुम दोनों, ये मेरे और सोनिया भाभी के बीच की डील है। भाभी आप सब समझ गए ना? सोनिया भाभी आप जब ऐसे हंसती है ना तो मुझे और डर लगने लगता है कि आप मेरा साथ देंगी कि नहीं देंगी। हेलो, हाँ कुमार बोल। हाँ हाँ बस अभी ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ। कल का मैच ना ब्राजील वाला, अरे देखा ना यार वो जो नीमा ने बैक फ्लिप मार के गोल किया ना, दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज टू गुड, माइंड ब्लोइंग था यार। सागर कल रात तुम यतिन और चंपा का झगड़ा सॉल्व करने उसके घर गए थे और ब्राजील का मैच भी कल ही था। कमाल है, तो तुम झगड़ा सॉल्व करते करते मैच देख रहे थे या मैच देखते देखते झगड़ा सॉल्व कर रहे थे? जवाब दो सागर, निमार ने जो बैकफ्लिप मारा वो झगड़ा सॉल्व करते करते मारा? कहाँ मैच देख रहे थे तुम? वो मॉम वो क्या क्या वो क्या बोलो? नहीं नहीं वो मॉम वो बोलो बोलो फटाफट बोलो। वो सागर भैया अभी कुछ देर पहले जब सोनिया को फैशन का प्रोग्राम देखना था तभी तो आपने वो फुटबॉल की हाइलाइट दिखाई सोनिया को जबरदस्ती, और अपना पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद फिर आपने मुझे रिमोट दिया और कहा कि भाभी अपना प्रोग्राम देख लो, है ना? तभी तो नहीं? हाँ। मतलब तुमने हाइलाइट्स देखी? अरे तो बोलना चाहिए था ना बेटा। हाँ मॉम मुझे लगा कि आपके दिमाग में ये बात आएगी ना कि किसी भी मैच की हाइलाइट तो मैच होने के नेक्स्ट डे ही दिखाते हैं ना, तो आप मुझसे पूछती कि सागर बेटा तुमने मैच की हाइलाइट कहाँ देख ली? ओह मेरे बच्चे, अरे बच्चा बच्चा मत बोले सासुमा, बहुत बड़ा हो गया है अब ये बच्चा। मही माँ के लिए बच्चा बड़ा हो जाए तो भी वो बच्चा ही रहता है। I'm sorry. Okay? चलो मैं फ्रेश हो जाऊँ। Okay? फीरा ये बच्चा कितना शैतान हो गया है ना? नहीं? अरे बब्बे आप भी क्यों सागर जी का साथ देने लगी? मही तुम्हें पता है जब सोनिया इस घर में नई नई आई थी ना तब सागर भैया एक ही थे जो सोनिया का साथ देते थे, सोनिया को संभालते थे, और अब जब सागर भैया को सोनिया की जरूरत है तो सोनिया को सागर भैया का साथ देना चाहिए ना। थैंक यू सो मच सोनिया भाभी, आपने मेरा साथ दिया, थैंक यू सो मच। सागर जी अगर आपने मुझे कसम ना दी होती ना तो आज तो मैं आपका भांडा फोड़ कर ही रहती। चिंता मत कीजिए मई भाभी, तभी ना तभी तो ये भांडा फूटी जाएगा। अरे मई तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मैंने अभी तक मॉम से झूठ नहीं बोला है। पता है सागर जी आपने बोला नहीं लेकिन बुलवाया, आप तो बस सच छुपा रहे हो ना। और सागर जी आप ये जो सुई के बराबर सच छुपा रहे हो ना वो धीरे धीरे रॉकेट बनता जा रहा है और यही रॉकेट एक दिन आप पर गिरेगा धड़ाम करके।